लॉजिक, रीजनिंग, बट वाई शुड आई कन्विंस यू? लाइफ आपकी है, मर्जी आपकी है, वाई शुड आई गिव रीजनिंग अबाउट एनीथिंग? सर फील करके बहुत अजीब लग रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस काजल, यू आर अलाइव एंड माइंडफुल, यू कैन फील। ठीक है सर, आप मेडिकल प्रैक्टिशनर तो है ही, बट आपने योगा, मेडिटेशन एंड डाइट पर भी काफी काम किया हुआ है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे फूड हैबिट्स के बारे में जानना चाहूंगी। जैसे कि हम सब जानते हैं, आजकल के बच्चों के फूड हैबिट्स बहुत ही खराब है। कुछ भी खा लेते हैं, कैसे भी खा लेते हैं, जैसे जंक फूड एंड वैरायटीज ऑफ फूड। तो इस बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं। क्या आपके पास कोई कॉइन है? जी हाँ, कोई कॉइन दीजिए। हर सिक्के के दो पहलू हैं, हम एक ही पहलू देखना चाहते हैं, दूसरा पहलू अवॉइड करते हैं। फूड हैबिट्स को आप जनरलाइज नहीं कर सकते। हाउ डू यू नो किसके लिए क्या जरूरी है? लेकिन एक बात है, जब एक तरह की फूड हैबिट के साथ आप दूसरी तरह के रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं, तब सारी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है सर, मैं आपको बता दूं, आज की जनरेशन लॉजिक पर चलती है। आपको हर चीज की रीजनिंग देनी होगी। लॉजिक, रीजनिंग, बट वाई शुड आई कन्विंस यू? लाइफ आपकी है, मर्जी आपकी है, वाई शुड आई गिव रीजनिंग अबाउट एनीथिंग? सिर्फ आपका एक्सपीरियंस आपको अंडरस्टैंडिंग दे सकता है। लॉजिक तो सारे फेल हो गए मैडम, सारे लॉजिक फेल हो जाते हैं। एक्सपेरिमेंट करो, माइंडफुल हो, खुद ऑब्जर्व करो कि किस तरह का भोजन करने से आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है, क्या वो डिजायरेबल है। सर आप कोई एग्जांपल देके समझाइए। आपको पढ़ने से पहले पढ़ना है, पेट भर के खाना खाओ, नॉनवेज खाओ, चाइनीज खाओ या फिर सात्विक भोजन करो, हलवा, पूरी, खीर, और फिर पढ़ने बैठो और फिर खुद ऑब्जर्व करो क्या पढ़ाई हो पाएगी, आपका ध्यान लगेगा, पढ़ने में मन लगेगा। आप खुद ऑब्जर्व करें, ऐसा भोजन करने के बाद आपकी बॉडी स्लगिश है या एक्टिव है, अलर्टनेस कैसी है, माइंड एक्टिव है या इनएक्टिव है, और फिर डिसाइड करो क्या वो डिजायरेबल है। अगर नहीं, तो जो आप फूड ले रहे हैं और जो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो दोनों अलग हैं। पीके सर, आपकी बात समझ आ रही है, बट आप थोड़ा और इलैबोरेट करके बता सके तो। चलो काजल, मान लो तुम्हारा बर्थडे पार्टी है, आपने सभी फ्रेंड्स को इन्विटेशन भेजा और मेन्यू रखा घिया, टिंडे, करेला, पेठा, बैंगन, तोरी। आपको क्या लगता है, आपके फ्रेंड्स आएंगे? सर कोई नहीं आएगा, बल्कि सब बेहोश हो जाएंगे। घिया खाएंगे, जन्मदिन की पार्टी बनाएंगे, टिंडे खाएंगे, करेला भी खाएंगे, बैंगन भी खाएंगे, बहुत मजा आएगा। नहीं आएगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वाह, कितना क्लियर है ना सर, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब मान लेते हैं आपके घर पे मेडिटेशन, साइलेंट सीटिंग का कोई सेशन है और उसमें मेन्यू रखा है नॉन वेज, चाइनीज, मोमोज। हाउ डू यू फील? सर फील करके बहुत अजीब लग रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस काजल, यू आर अलाइव एंड माइंडफुल, यू कैन फील। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। एक इंसान जो एथलीट है, जिम जाता है, मसल बिल्डअप करनी है, उसको प्रोटीन लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ एक इंसान जो कंप्यूटर पे बैठा रहता है, बैठे रहने का काम है, सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, कोई फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं, इन दोनों का भोजन एक जैसा कैसे हो सकता है? आई एग्री सर, तो आपका ये कहना है हमें एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। बिल्कुल, कोई और आपको लॉजिक क्यों दे? आप देखो, ऑब्जर्व करो क्या खाकर आपकी बॉडी माइंड पर क्या इफेक्ट आता है, क्या वो डिजायरेबल है। पार्टी है तो स्पाइसी खाओ, नॉनवेज खाओ, क्योंकि माहौल एक्साइटमेंट का है। लेकिन जब पढ़ना है
सुबह जल्दी उठना है, फोकस करना है, तो लाइट खाओ, कम खाओ, सात्विक खाओ, सादा भोजन करो और फिर देखो आपका पढ़ने में मन लगेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, आप जल्दी से चीज़ को ग्रेस्प कर पाएंगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। करके देखो, ऑब्जर्व करो, माइंडफुल हो, अवेयरनेस में रहो, बट चेक एंड स्टैम्प योरसेल्फ एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। वाओ सर, मैंने ये नोटिस किया है, आप जब भी कोई सोल्यूशन देते हैं उसमें हमेशा एक फ्रीडम होती है। यू नेवर गिव सेट ऑफ रूल्स, डूज एंड डोंट्स, आप हमेशा इंसिस्ट करते हैं माइंडफुलनेस एंड अवेयरनेस रहने के लिए। थैंक यू सो मच सर। क्योंकि आपका अपना एक्सपीरियंस ही काम आएगा, लॉजिक्स आर बाउंड टू फेल। थैंक यू सो मच सर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। आप PK सर को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @PK ऑर्थो। थैंक यू सो मच सर।